आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। हाल ही में इंदौर में कुछ दिनों पूर्व हुई अत्यधिक बारिश से शहर की निचली एवं स्लम बस्तियों में रहने वाले लोग काफी परेशान हुए हैं। कोरोना के कारण इन बस्तियों में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति भी खराब हो चुकी है। अतः अतिवृष्टि एवं कोरोना से ग्रस्त स्लम बस्तियों में राहत के अंतर्गत लायंस क्लब इंदौर सनशाइन डिस्ट्रिक्ट 3233G1 डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त राहत द्वारा महालक्ष्मी नगर स्लम बस्ती के जरूरतमंद लोगों को फूड पैकेट्स का वितरण डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर ईश्वर मुंदड़ा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाले इंदौर सहित आसपास के अन्य शहरों में इसकी शुरुआत की गई। इंदौर में फूड पैकेट्स का वितरण महालक्ष्मी नगर साईं मंदिर के समीप रह रहे बस्ती के लोगों में किया गया। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर ईश्वर मुंदड़ा प्रथम महिला मंडल 3233G1 डिस्ट्रिक्ट के अन्य पदाधिकारी सनशाइन के सभी सदस्य लायंस क्लब इंदौर महानगर और इंदौर सिटी के सदस्य ने भी उपस्थित होकर फूड पैकेट्स वितरण कार्य को संपन्न किया। लायंस साधना सिंह ने बताया कि मंडल द्वारा यह सहायतार्थ वितरण लायंस इंटरनेशनल द्वारा प्राप्त मदद के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अंतर्गत स्लम बस्तियों में ब्लैंकेट कपड़े एवं राशन सामग्री का वितरण अगले सप्ताह में होगा। इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3233G1 की तरफ से मैं लाइन डॉक्टर ईश्वर मुंदड़ा इस बार डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट ने इस बार ज़रूरतमंदों को भोजन व्यवस्था के लिए और बीच में जो बाढ़ का प्रकोप इंदौर में और दूसरे क्षेत्र में आया था उनकी सहायता के लिए फूड पैकेट बर्तन कपड़े इनकी व्यवस्था का एक प्लान बनाया है। हमको इसके लिए हमारे लायंस इंटरनेशनल जो संस्था है LCIF उसे ग्रांट मिली है। उसके और हमारे सभी क्लबों के सदस्यों से साथियों के सहयोग से ये कार्यक्रम हम बुरहानपुर बड़वा खरगोन धामनोद और इंदौर में आयोजित कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि शहर की गाँव की जो भी स्लम बस्तियां हैं जहां लोगों को पर्याप्त भोजन वगैरह की व्यवस्था नहीं है इन दिनों में उनको हम अपनी तरफ से भोजन व्यवस्था के लिए व्यवस्था करें। साथ ही उनके लिए ब्लैंकेट्स कपड़े और खाने के पैकेट वितरण का कार्यक्रम एक हम बना रहे हैं जो अगले सप्ताह में हम करने जा रहे हैं। लायंस डिस्ट्रिक्ट 3233G1 की तरफ से हमारे इंटरनेशनल से ग्रांट हुआ है। जो बाढ़ पीड़ित हैं जिनके घर में पानी भर गया और वो सब ग्रसित हैं इससे उनकी सहायता के लिए भोजन सामग्री फूड पैकेट राशन कंबल बर्तन उनको दिए जा रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की तरफ से आज इसका शुभारंभ हो रहा है और हम लोगों की कोशिश है कि जितने भी इंदौर में स्लम एरिया हैं उन सभी को हम ये सहायता पहुंचाएं, उनकी मदद करें। आज कहां पर ये आयोजन किया जा रहा है? ये इंदौर के महालक्ष्मी नगर में ये सहायता पहुंचाई जा रही है। हम लायंस क्लब की तरफ से ये सेवा जरूरतमंदों को हम कर रहे हैं और हम इंदौर के समस्त स्लम एरियाज में फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके साथ ही हम खाद्य सामग्री कंबल भी हम दे रहे हैं जिससे कि उनको जो आपातकालीन स्थिति आई है, एक तो कोरोना और दूसरा अतिवृष्टि, दोनों ही स्थिति में उन लोगों को एक सहायता मिल पाए। कोरोना ने वैसे ही जॉब छीन लिया है।